नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 जनवरी। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। SSC MTS 10वीं पास के लिए जल्द ही निकालेगा वैकेंसी। 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। SSC MTS 2020 का नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2021 को ssc.nic.in पर जारी होगा। इस भर्ती के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 10वीं पास युवाओं के लिए छप्पर फाड़ कर भर्तियां निकाली जाएंगी। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के मुताबिक मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल के पदों पर भर्ती के 2 फरवरी 2021 से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 18 मार्च 2021 होगी। SSC MTS 2020 पेपर 1 का आयोजन 1 जुलाई से 20 जुलाई 2021 के बीच होगा। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 377 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 255,474 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 147 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 26 तो वहीं बेगूसराय में 31 मामले सामने आए हैं। समस्तीपुर के प्रेम विहार मनरेगा पार्क बोछा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विद्यापति नगर प्रखंड में हरपुर बोछा पंचायत में डुमर देह चौर में बने प्रेम विहार मनरेगा पार्क यहां का प्रमुख पिकनिक स्पॉट है। आपको बता दें कि बेहतरीन प्राकृतिक स्थलों के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए इस पंचायत को सर्वोत्तम ग्राम पंचायत अवार्ड से भी नवाजा गया है। ट्रेन में सीट उपलब्धता की जानकारी अब ट्विटर और फेसबुक पर। बिहार के पूर्व मध्य रेल से चलने वाली ट्रेनों में आरक्षण के लिए उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए अब यात्रियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब ट्रेनों से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ही मिल जाएगी। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर ट्रेनों में सीट उपलब्धता को लेकर लगातार अपडेट जारी कर रहा है। इस अकाउंट पर एक साथ कई ट्रेनों में सीट उपलब्धता की जानकारी यात्रियों को आसानी से मिल जाएगी। इतना ही नहीं, सभी यात्रियों को इसके लिए ICR को फॉलो करना होगा। बिहार के हर शहरी निकाय में बनेगा सम्राट अशोक भवन। बिहार के सभी निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण होने वाला है, जिसके तहत जहां जमीन नहीं मिली है वहां तत्काल जमीन की व्यवस्था करवाई जाएगी। जमीन मिलते ही विभाग निर्माण के लिए धनराशि मुहैया करवा देगा, जिसकी घोषणा अधिवेशन भवन में भागलपुर और दरभंगा प्रमंडल के शहरी निकायों की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि यदि देरी के चलते योजनाओं की लागत बढ़ी तो दोषी अफसरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शहरी निकायों में नालों की समय पर उड़ाही सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के दिनों में जलजमाव की स्थिति पैदा न हो। बालू पत्थर से जुड़े लाइसेंस के लिए अब होगा ऑनलाइन आवेदन। बालू पत्थर से जुड़े लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। खान एवं भूतत्व जीवेश कुमार ने बीते दिन विकास भवन में विभाग की तरफ से निर्गत किए जाने वाले स्टॉकिस्ट लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। उन्होंने इस बाबत बताया है कि विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 2000 और नए आवेदन के लिए 10,000 शुल्क जमा करने होंगे। उसकी रसीद अपलोड करनी होगी। 7 दिन के अंदर आवेदन की जांच करके मुख्यालय से उप निदेशक स्तर के अधिकारी की तरफ से लाइसेंस जारी किया जाएगा। राज्य में विभाग ने स्टॉकिस्ट लाइसेंस धारकों की मौजूदा संख्या 590 बताई है। 31 मार्च नहीं बल्कि 31 जनवरी तक ही होगी धान की खरीदारी। धान की सरकारी खरीदारी का समय कम कर दिया गया है। जानकारों की माने तो बिहार में अब 31 मार्च के बजाय 31 जनवरी तक ही धान की सरकारी खरीदारी की जाएगी। हालांकि सरकार के इस निर्णय से किसान भी काफी हैरान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इस बार खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 1.5 गुना तक कर दिया था। इतना ही नहीं, LSP और निबंधन पर भी कई तरह के छूट दिए गए हैं। जनवरी में खरीद का रिकॉर्ड बना है, मगर सरकार ने अब खरीद के समय में ही कटौती कर दी है, जिसके बाद अब पहले से घोषित 31 मार्च की जगह 31 जनवरी तक ही धान की खरीदारी हो सकती है। हालांकि जनवरी के बाद धान की खरीदारी ज्यादा होती है, मगर सरकार ने जनवरी के बाद धान की खरीदारी से साफ इनकार कर दिया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे भवानी भट्टाचार्य की। भवानी भट्टाचार्य का जन्म साल 1906 में बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। भवानी भट्टाचार्य एक भारतीय लेखक थे जो बंगाली मूल के थे। उन्होंने सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लिखा था। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी में भागलपुर में हुआ था। भट्टाचार्य ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वो भारत लौट आए और कूटनीति सेवा में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा की, जिस देश में वो सेवा छोड़ने के बाद साहित्यिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में लौटे। उन्होंने हवाई में पढ़ाया, इसके साथ ही बाद में सिएटल में अपने मध्य
तीसवें दशक में भट्टाचार्य ने ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से यथार्थवादी संदर्भों में कथा लेखन भी शुरू किया था। बिहार के एक स्कूल में एक साथ कई छात्र संक्रमित। बिहार के एक स्कूल में जिस बात का डर था वही सही साबित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक ही स्कूल के 25 छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह वाकया मुंगेर जिले का है, जहां असरगंज प्रखंड के ममई हाई स्कूल में एक साथ 25 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। संक्रमितों में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक दोनों शामिल है। बताया जा रहा है कि 4 जनवरी से स्कूलों को खोलने के आदेश के बाद मुंगेर का ममई हाई स्कूल भी खुला था, लेकिन एकाएक स्कूल के 25 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। बिहार के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का होगा ड्राई रन। बिहार के टीके के दूसरे चरण का ड्राई रन आज से शुरू होने वाला है। इसके लिए बिहार के प्रत्येक जिले में 3 स्थल का चयन करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत जहां भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मौजूद नहीं है वहां जिला अस्पताल में ड्राई रन का काम करवाया जाएगा। इसके अलावा किसी एक निजी अस्पताल और एक आउटरीच वाले स्थल जैसे सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और किसी अन्य स्थल पर जहां ANM के माध्यम से टीकाकरण किया जाता है उसका भी चयन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर राज्य भर में दूसरे ड्राई रन की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक क्लिक पर मिलेगा बिहार के हर गांव के जमीन मालिकों का नाम और रकबा। बिहार देश का पहला राज्य है जहां डॉक्यूमेंट सबसे पहले इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, यानी कि ई गवर्नेंस लाने में बिहार देश में पहला राज्य बना है। अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए चकबंदी निदेशालय की अपनी वेबसाइट बनाने की बात कही है, जिस पर बिहार के हर एक गांव के जमीन मालिकों का नाम और उनके द्वारा धारित जमीन की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। कहा जा रहा है कि एक क्लिक करने से कोई भी व्यक्ति अपने गांव में एक चक का रकबा कितना है, उसका मालिक कौन है, इसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। जीविका दीदी के हाथों बना पोशाक पहनेंगे बिहार के स्कूली छात्र। बिहार के स्कूली छात्र दीदी के हाथों से तैयार पोशाक पहनने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया से लगभग 45 किलोमीटर दूर दमगाड़ा में संवाद कार्यक्रम के दौरान उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीविका समूह स्कूली छात्रों के लिए पोशाक तैयार करने वाली है। दीदी के हाथों से बने पोशाक छात्र पहनने वाले हैं। राज्य का पैसा घर में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल में मास्टर आते हैं या नहीं इसका ध्यान भी जीविका की दीदियां रखेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल जाकर देखिए मास्टर साहब छात्रों को पढ़ा रहे हैं या नहीं। गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं। गंदगी फैलाने वालों पर अब सख्ती से पेश आने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत ऐसे लोगों से भारी भरकम राशि भी वसूले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत जिन भी निकायों में कचरा संग्रहण एवं ढुलाई हेतु डोर टू डोर सेवा की व्यवस्था है वहां पर डस्टबिन का अधिष्ठापन वर्जित है। सेवा के सुचारू रूप से प्रारंभ होते ही सभी गली मोहल्लों सार्वजनिक स्थल में बड़े डस्टबिन हटा लिए गए हैं, जिनका प्रयोग पहले आमजन द्वारा कचरा इकट्ठा के लिए किया जाता था। मंगल पांडे ने कोरोना टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की कही बात। बिहार में जल्द ही टीकाकरण का काम शुरू होने वाला है। वहीं टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कोरोना टीकाकरण का काम बिहार में अभियान के तहत चलाया जाएगा। जन भागीदारी का काम भी सुनिश्चित किया जाएगा और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। आपको बता दें, आज से प्रत्येक जिले में 3 स्थानों पर कोरोना टीके के दूसरे चरण का ड्राई रन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ बीते दिन ही इस मामले पर चर्चा पूरी हो चुकी है। पटना में कई दिनों बाद विमान सेवा सही समय पर हुई संचालित। बीते दिन कोहरा नहीं पड़ने के कारण मौसम साफ रहा। मौसम साफ रहने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, बीते कई दिनों से कोहरे के कारण विमानों के परिचालन में देरी देखने को मिल रही थी। हालांकि कई दिनों बाद गुरुवार को विमानों का परिचालन समय पर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुबह आने वाली स्पाइस जेट की विमान अपने समय 7:45 पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंची। वहीं अहमदाबाद से आने वाली विमान भी समय से एयरपोर्ट पहुंची। आपको बता दें, लगातार 15 दिनों से कोहरे के कारण रनवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण विमान परिचालन में विलंब हो रहा था, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। श्याम रजक को राजद में मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक को राजद में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजद ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। बीते दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसका पत्र सौंपा है। श्याम रजक के साथ विधायक भूदेव चौधरी और पूर्व विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि को भी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में श्याम रजक की तरफ से दिए गए बयान में जदयू के 17 विधायकों की टूट की बात को लेकर उनकी चर्चा जारी थी। वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से भी वो नाराज चल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने राज्यसभा का उम्मीदवार बनने से भी इनकार कर दिया था।
तेजस्वी की शादी पर राबड़ी देवी ने दिया बयान। बिहार में मोस्ट एलिजिबल बैचलर में गिने जाने वाले तेजस्वी यादव की शादी की चर्चा आए दिन सुनने में मिल जाती है। वहीं अब इस मुद्दे पर खुद तेजस्वी की मां यानी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनकी शादी तब होगी जब मुख्यमंत्री के बेटे की शादी होगी। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की शादी के बाद ही तेजस्वी की शादी की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने साफ इस मुद्दे को एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वहीं उनकी शादी को लेकर हो रही देरी का कारण उन्होंने लालू प्रसाद यादव की खराब सेहत को भी बताया है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव इन दिनों रिम्स में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चुनाव के बाद बिहार पहुंचे भूपेंद्र यादव ने कही अहम बात। भाजपा और जदयू के बीच जारी मनमुटाव से हर कोई वाकिफ है। वहीं इन सब के बीच भूपेंद्र यादव के पटना पहुंचने से सियासत फिर गर्मा गई है, जिसके तहत बीते दिन भूपेंद्र यादव ने जदयू कार्यालय पहुंचकर आरसीपी सिंह से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी तथा बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार चल रही है जो विकास और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। यही वजह है कि प्रदेश की जनता ने विपक्ष के तमाम दुष्प्रचार के बाद एनडीए को फिर सेवा का मौका दिया है। जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है, जिसके तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहने के दौरान किन किन लोगों से मुलाकात की, कौन कौन से नियमों का पालन नहीं किया, इन सभी मुद्दों पर सुनवाई होगी। जिसके बाद अब यह देखना होगा कि अदालत की कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल सबकी नजर अदालत की कार्रवाई पर टिकी होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के नियमों के उल्लंघन मामले को लेकर कई बार बयानबाजी भी देखने को मिली है। आपको बता दें, चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है। इस बिंदु पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जेईई एडवांस की परीक्षा तारीख हुई जारी। केंद्रीय मंत्री जेईई एडवांस 2021 परीक्षा की तारीख का ऐलान कर चुके हैं, जिसके तहत 4 जनवरी को अपने ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैं आईआईटी में दाखिला संबंधी पात्रता मापदंडों और जेईई एडवांस 2021 की तारीख के बारे में जल्द ही घोषणा करूंगा। जिसके बाद उन्होंने बताया है कि जेईई मेन्स परीक्षा साल में 4 बार आयोजित होंगी। पहले सत्र में इसका आयोजन 23 से 26 फरवरी 2021 तक होगा। निशंक ने डिजिटल माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि जेईई मेन्स परीक्षा का आयोजन साल में 4 बार होगा। यह परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेता ने रविशंकर प्रसाद की मां को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, जिसके तहत उनके श्राद्ध कर्म में शामिल होने राज्यपाल फागू चौहान भी उपस्थित हुए थे। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी रविशंकर प्रसाद की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। हॉस्पिटल से बाहर आए सौरभ गांगुली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारतीय कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अब बीते दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जिसके बाद उन्होंने बाहर आकर अपने सभी डॉक्टरों का धन्यवाद व्यक्त किया है। जिसके तहत गांगुली के डॉक्टरों ने कहा है कि अब वो क्लिनिकली फिट है और अपने घर जा रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि घर जाने के बावजूद गांगुली के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सौरभ गांगुली को शनिवार को सीने के दर्द की परेशानी हुई थी। नायरा के खत्म हो रहे सीक्वेंस को सुन रो पड़ी थी शिवांगी जोशी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेन लीड शिवांगी जोशी को शो के नए सीक्वेंस में मरा हुआ दिखाया गया है। वहीं अपने इस शॉट को लेकर शिवांगी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि नायरा के किरदार की मौत जरूर हो रही है, लेकिन सीरियल को मैं अलविदा कह रही हूं या नहीं, इस बात पर अभी संशय की स्थिति जारी है। हालांकि यह खबर पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ ही शिवांगी जोशी का नायरा की मौत का सीक्वेंस सुनने के बाद क्या हाल हुआ, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सरप्राइज जरूर हुई हूं। उन्होंने कहा कि शो में अब जो भी होगा वो आने वाले 10 दिनों में आपको बता दिया जाएगा। पेटीएम से अब आप ले सकते हैं लोन। डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने इंस्टेंट पर्सनल लोन सर्विस की शुरुआत कर दी है। पेटीएम की यह सर्विस उपभोक्ताओं को हर समय यानी कि 24 घंटे मिलने वाली है, जिसके तहत अब 365 दिन तक लोन लेने का काम कर सकते हैं। इस सर्विस के माध्यम से यूजर को 2 मिनट में लोन मिल जाएगा। खबरों की माने तो पेटीएम के इस नए सर्विस के जरिए 2 लाख रुपए का इंस्टेंट लोन मिल सकता है। कंपनी ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि वेतन भोगियों, छोटे व्यवसाय के मालिकों और प्रोफेशनल्स को आसानी से लोन मिल सकेगा। यह कदम ग्राहकों को औपचारिक वित्तीय बाजार के दायरे में नया क्रेडिट लाने में मदद करेगा।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,300 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,300 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.21 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिस्टर लौतम कुमार, अवधेश कुमार, मृत्युंजय कुमार, नीतीश कुमार, अवधेश कुमार, शैलेश कुमार, श्वेता रॉय, मोहम्मद साजिद रजा, ओमकार सिंह, श्रवण कुमार, सुधीर कुमार, मोहम्मद आलम, विनोद कुमार, गजेंद्र सिंह, रिंकू पंडित। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के कई जिलों में स्कूल खोलने के बाद मिल रहे कोरोना प्रभावितों की संख्या को देखते हुए प्राइमरी सेक्शन के छात्रों की क्लासेस शुरू करनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।